आगे भी MIUI से जुड़ी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशंस के लिए सब्सक्राइब करिए डोर टू टेक को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। है व्हाट्सअप सौम्य यूजर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज एपिसोड नंबर 25 ऑफ MIUI एंड Xiaomi फीड। गाइज, Xiaomi फाइनली कन्फर्म्ड लॉन्च डेट फॉर MIUI 11 इन इंडिया। Xiaomi हैज रिवील्ड दैट MIUI 11 ग्लोबल स्टेबल रोम विल कम टू इंडिया ऑन 16th ऑफ अक्टूबर विथ द लॉन्च ऑफ Redmi Note 8 Pro फॉर इंडिया। तो दोस्तों, फाइनली Xiaomi ने कन्फर्म कर दिया है कि MIUI 11 का लॉन्च जो है आपको इंडिया के अंदर 16 अक्टूबर को देखने को मिलेगा Redmi Note 8 Pro के लॉन्च के साथ ही। तो आगे इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जो है कौन से डिवाइसेस में अपडेट्स देखने को मिलेंगे और कब से जो है ये अपडेट जो है रोल आउट किया जाएगा। हालांकि 16 अक्टूबर को लॉन्च तो कर दिया जाएगा MIUI 11 इंडिया के अंदर, बट जो अपडेट्स है वो हमें कब से देखने को मिलेंगे। सो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एम करते हैं इस वीडियो पे ओनली 500 लाइक्स के लिए। तो जल्दी से विटामिन एम का सप्लाई आप लोग जारी रखिए। तो दोस्तों, ये है MIUI इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जिससे कि उन्होंने ट्वीट करते हुए क्लियर किया है, कंफर्म किया है कि MIUI 11 जो है वो लॉन्च किया जाएगा इंडिया के अंदर 16 अक्टूबर को। और आपको साथ ही बता दें कि लॉन्च के बाद जो आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे वो डायरेक्टली आपको स्टेबल अपडेट्स देखने को मिलेंगे, ना कि कोई बीटा अपडेट्स। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि Redmi Note 8 Pro जो लॉन्च होने वाला है वो MIUI 11 के साथ ही लॉन्च होने वाला है या फिर उसमें जो है हमें आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 10 देखने मिलेगा और बाद में जो है OTA अपडेट के थ्रू जो है MIUI 11 का अपडेट हमें जो है Redmi Note 8 Pro में देखने को मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि Redmi Note 8 Pro में हमें आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 11 ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम चाइना के अंदर देखें तो वहां पर जो है स्टेबल अपडेट्स के रोल आउट शुरू हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि Redmi Note 8 Pro जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाने वाला है MIUI 11 के साथ और आउट ऑफ द बॉक्स जो है आपको MIUI 11 का ही एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है उसी दिन लॉन्च इवेंट में Redmi Note 8 Pro में। हालांकि ऐसा नहीं है कि 16 अक्टूबर को सिर्फ Redmi Note 8 Pro को लॉन्च किया जा रहा है इंडिया के अंदर, पूरी की पूरी 8 सीरीज को लॉन्च किया जा रहा है और साथ में MIUI 11 भी। हालांकि दोस्तों, ये न्यूज़ जो है पहले ही मैंने आपको पोस्ट करके बता दिया था इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी, तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमें कौन कौन से डिवाइसेस में देखने को मिलने वाला है MIUI 11, मतलब कि बिल्कुल कन्फर्म है कि इन डिवाइसेस में आपको सबसे पहले देखने को मिलने ही वाला है और हो सकता है कि इनके साथ कुछ और भी डिवाइसेस हो जिनको कि अपडेट्स जो है जल्दी ही दिया जाए, बट इन डिवाइसेस में बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको सबसे पहले जो है अपडेट्स देखने को मिलेगा MIUI 11 का। तो Redmi K20, Redmi K20 Pro और Redmi 7 की पूरी सीरीज, मतलब कि Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, यहाँ पर हो सकता है कि Redmi Note 7 S को थोड़ा सा डिले हो अपडेट मिलने में, बट उसको भी जो है जल्दी ही अपडेट्स देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों, पोको F1 के बारे में बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे पिछले वीडियो में, तो आपको जो है पोको के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पर बहुत ही जल्द। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। MIUI 11 के अपडेट से रिलेटेड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पिछला एपिसोड, मतलब कि एपिसोड नंबर 24 देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऊपर आई के बटन पर लिंक मिल जाएगा और साथ ही MIUI 11 अपडेट्स का पूरा प्लेलिस्ट का भी जो लिंक है वो आपको ऊपर आई के बटन पर देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट में जाके आप जो है पूरे वीडियोज़ देख सकते हो, 3-4 वीडियोज़ जो भी है MIUI 11 के ऊपर। और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर कि आपको छोटे मोटे अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक उसका भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी MIUI के अपडेट्स पाने के लिए। शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अपने Xiaomi यूजर्स दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।